शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका स्वागत है भाभी, आपके कमरे में। भाभी चलिए ना, चलते हैं, चलिए बैठते हैं। थोड़ा सा मैसी है ना, साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। भाभी आप ना आराम कर लीजिए, वैसे भी बहुत ज्यादा थक गए होगे ना। आप आराम कीजिए, मैं नीचे ना कीर्ति भाभी की रस्मों में जाती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। बेटा, इस चावल के कलश को अपने दाएं पांव से गिराकर गृह प्रवेश करो और उसके बाद अपने पैर इस आलती की थाली में रखो और अपने पहले शुभ कदम घर के अंदर लाओ। आ जाओ। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए होती है कि आइए लक्ष्मी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी जी उल्टे पांव वापस जा रही है। बस तू, ये अनजाने में हुआ है। अपशगुन तो तब होता कि बहू फिसलती और उसे चोट लगती। ये तो अच्छा शगुन है कि भला टली और बहू ठीक है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलिए रस्म को आगे बढ़ाते हैं। वरुण बेटा, कीर्ति बेटा आ जाओ अंदर। आते ही कितना बड़ा अपशकुन कर दिया। बहू का आज घर में पहला दिन है और कमरे में अकेली बैठी हुई है वो, और नीचे जो उसने हरकत की है ना। अरे अब शांत हो जाएगी। अरे हम देख, हम बम कुछ नहीं, बहुत बदतमीजी कर चुका है वो, अब मैं उससे बात करूंगा। अरे जोर जबरदस्ती से कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए और वो अभय ना कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करते। अब आप समझिए जिस हालात में शादी हुई है, अरे अभय तो क्या, उसकी जगह कोई भी होता ना तो उसे भी समय चाहिए होता चीजों को समझने के लिए। और हम एक बात तो जानते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। अंगूठी ढूंढनी है समंदर से खजाना, नहीं जो इतना वक्त लगा रहे हो। चलो चलो वरुण ढूंढो। शाबाश कीर्ति बेटा, देखना हमारी बहू जरूर ढूंढ लेगी अंगूठी। देख रहे हो वरुण बेटा, माँ ने अपने बेटे का साथ छोड़ दिया लेकिन ये बुआ अपने भतीजे का साथ नहीं छोड़ने वाली।
जल्दी ढूंढो। वरुण हमें जीतना है, ढूंढो। अब बस एक आखिरी रसम बची, कर लेते हैं। सॉरी हम बहुत थक गए, कल कर ले ये रसम, हमें सोना है। ओ, सिर्फ तुम नहीं थकी हो, कल से हम सबका जागरण चल रहा है। थक गई हूँ हम। देखिए बेटा, आप थक गए हैं ये हम समझते हैं, लेकिन बस ये एक आखिरी रसम बची है, वो कर लीजिए, उसके बाद आराम कर लेना। वरुण बेटा, आपको अभी कीर्ति के हाथ में लगे हुए इस कलेवा को, यानी कि ये जो पूजा का लाल धागा बंधा है, उसे खोलना है। हाथ आगे कीजिए। कोई बेमानी नहीं चलेगी, सिर्फ एक हाथ से खोलना है वरुण। ओके। नो चीटिंग। आज ही खोलना है बेटा। अगर तुम नहीं होती तो इस कलेवा को खोलने में जिंदगी बीत जाती। थैंक यू सो मच। अब मम्मी बहुत हालत खराब हो रही है, अब प्लीज आप जाने दीजिए ना। नैना भाभी, अब जो किस्मत में आई है उसके जरा तेवर थोड़े तीखे हैं। इसमें दूर दूर तक श्रद्धा वाली बात तो नहीं है, हमें बड़ा ही अफसोस हो रहा है आपके लिए। विशेष टिप्पणी तुमसे किसी ने मांगी नहीं है रितु। मैया, क्या गलत कह दिया रितु ने, हमें भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। कमाल कर दिया अपने रजी, बच्ची है वो, और जिस तरह उसकी शादी हुई है सब कुछ समझने में उसे समय लगेगा, और फिर अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखिए आप। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन गुस्सा तो हमें तनुजा पर आ रहा है। किस तरह मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उस बेचारी श्रद्धा के भाग्य में निकम्मे अभय को लिख दिया। तुम्हारी शादी वरुण से होने वाली थी, फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? देखिए, जिन हालात में हमारी शादी हुई तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, और उस वक्त मेरी कोई भी बात कोई नहीं मानता। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी और एग्जैक्टली इस मजबूरी का ही फायदा उठाया उस वरुण ने। अब सच सुन, वरुण तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे जो चाहिए थी वो उसे मिल गई, किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।